अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द बस लाइफस्टाइल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कराची के समंदर के कुछ हाल दिखाने वाली हूँ कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं समंदर के और कराची के, किस तरह की मतलब बारिशों की वजह से इतना ज़्यादा समंदर में पानी हो गया है कि समंदर में तूफान आ रहा है, और जिसकी वजह से आप देख सकते हो ये दो दरिया आप लोगों को बीच दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा लहरें तेज़ हुई हुई हैं। और इसके अलावा मैं इसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी हॉक्स बे का बीच, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा पानी है, इतना ज़्यादा पानी हो रहा है कि रोड तक पे पानी आ गया। तो इसलिए आजकल बिल्कुल अवॉइड करें सी साइड वगैरह पे जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी ऊपर चढ़ा हुआ है आजकल बारिशों की वजह से। और आप लोगों को पता है कि इस बार कितनी बारिशें हुई हैं कराची में, पूरे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा बारिशें हुई हैं अलग अलग शहरों में, लेकिन कराची में तो कुछ ज़्यादा इस बार बारिश हो गई है। वैसे इतनी होती नहीं, इस बार कुछ ज़्यादा ही हुई है, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे हो कि ये हाल हुआ हुआ है समंदरों का। और अब इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हॉक्स बे का ब्रिज, जिस पर बहुत ज़्यादा पानी चला हुआ। आप लोग आजकल बिल्कुल भी ना जाएँ हॉक्स बे वगैरह, किसी भी सी साइड पर बिल्कुल अवॉइड कर दो जाना। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं आजकल देखने के लिए कि इसका मतलब तूफ़ान किस तरह का है। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे वीडियो सेंड करी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ, एक अवेयरनेस वीडियो हो जाएगी शेयर। तो देख सकते हो आप लोग किस तरह से पानी आ रहा है रोडों पे, और ये हॉक्स पे बीच की वीडियो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ है। दो दरिया पे तो इतना ज़्यादा नहीं था, सी व्यू वगैरह पे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे ये है हॉक्स पे वगैरह, पैराडाइज पॉइंट और स्प्रेस के अलावा, और आगे जो बीच वगैरह होते हैं तो उन पे और ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हो कुछ वीडियो में कि कितना ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करें और नहीं जाएं देखने के लिए भी कि मतलब कैसा तूफ़ान आ रहा है क्या नहीं है। सब को लगा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, तो अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बिल्कुल आजकल अवॉइड कर दें। और क्योंकि आप लोगों को पता है बारिश की वजह से रोडों पर इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया, कराची के हालात का तो आप लोगों को पता ही है, जैसे कि सारे रोड ख़राब हो रहे हैं, सब गड्ढे वड्ढे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और तो वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे भी आने जाने में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अवेयरनेस वीडियो थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इस तरह की कोई वीडियो होती तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और करती रहूँगी। तो आई होप कि पसंद आई होगी आप लोगों को वीडियो, और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।